वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस क्या होता है देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल पालक पकौड़ा। पालक पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत होंगी वो ये हैं। सबसे पहले पतीले में 3 अदद प्याज शामिल कर रही हूँ, बारीक स्लाइसेस मैंने इसे काटा है, और अब 1 अदद आलू शामिल कर रही हूँ, बारीक स्लाइसेस में से मैंने काटा है। उसके बाद 12 अदद सब्जी शामिल कर रही हूँ। अब मैं बेसन शामिल करूँगी, बेसन मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। अब मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब पालक शामिल करूँगी, पालक की मैंने आधी गड़ी ली है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। पालक पकौड़ों का बेसन तैयार हो गया है, अब मैं इसे तलूंगी। आयल गर्म हो चुका है, अब मैं पकौड़ों को तलने लगी हूँ। छोटे छोटे पकौड़े डालें, बहुत बड़े मत डालें। पालक पकौड़ा तैयार हो गया है, पकौड़े पक चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। माशाल्लाह से हमारा रमजान स्पेशल पालक पकौड़ा तैयार हो गया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।